फिर हवा दूसरे बने आई, पत्ते उड़ा के लै गई। पत्ता रुख नाल कुछ गल्लां करता है, कहिंदा बापू तेरे नाल जुड़िया सी ते हरिया सा, तेरे नालों नाता टुटिया, एक ते हरियावल गवाच गई मैं सुक गया, दूजा हवा मेरे हुण पैर ही नहीं लगन दिंदी, कदी किसे बने लै जांदी है, कदी किसे बने लै जांदी है। ये पत्ते की गल हो रही है जी? नहीं, ये मेरी गल हो रही है, ये तुहाडी गल हो रही है, ये भैणों तुहाडी गल हो रही है। पत्ते कौन आ? असी। दरख्त की है? मूल, सच, धर्म, गुरु ग्रंथ साहिब, परमात्मा, रब। जदों तक पत्ता दरख्त नाल जुड़िया है तो हरिया है। पत्तर पुरजेन चढ़ियंग न जड़ियंग पेड़ संपता, नाम बिहून बिखमता नानक, नाम बिहून बिखमता नानक, बहंत जो ना बासरो रैनी। पत्ते हाँ असी, जेड़े जेड़े धर्म नाल जुड़े ने वह हरे रहिंदे ने, जेड़े जेड़े पत्ते ने सच नालों नाता तोड़ लिया। हवा की है? पखंड, कर्मकांड, वहम, देहधारी, डंबी गुरु। जदों आ जड़े विचारे उड़दे फिरदे ने ना, कदी किसे दर जांदे, कदी किसे दर जांदे, कदी किते मत्था टेकदे, कदी किते मत्था टेकदे। तरस करो विचारे टुटे हुए पत्ते ने दरख्त नालों। जिहड़ा मूल नाल जुड़ जांदा है वह हरिया रहिंदा है। जदों पत्ता दरख्त नालों टुट जाए तो कई बार उन्हूं कई कई कूहां तक भीड़ उहदे पैर लगण ही नहीं दिंदी। इंज ही हो रहा है, अज भीड़ां दे विच पैर लगदे ही नहीं। तो याद रखना, पखंड का रस्ता सौखा बड़ा हुंदा है। झूठ ते सच विच की फर्क है जी भला? झूठ बोलण वाला मनुख हर मुश्किल का हल झूठ विचों कढ लैंदा, झूठ नाल अपनी हर समस्या का हल कर लैंदा। झूठ बोलने वाला अपनी हर समस्या का हल झूठ चो कढ लेगा, झूठ बोल के कर लेगा। पर जदों उहदा झूठ दुनिया सामने नशर होएगा उन्हें शर्मिंदा होना पवेगा। सच ते तुरन वाला व्यक्ति मुश्किल तो जरूर आती है पर जिंदगी च शर्मिंदा नहीं होना पैंदा। कभी वेखना तुसी अपने टब्बरां च वेख लेना, अपने परिवारां च वेख लेना। जे परिवार च एक भी जी असूलों से तुरदा होवे उन्हूं मुश्किल बाकी टब्बर नालों थोड़ी जी वध आएगी, पर शर्मिंदा नहीं होना पवेगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी असूलों से चले ने, मुश्किल जरूर आई, बच्चे कुर्बान कर दिते, पिता कुर्बान कर दिता, माता, पर शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पिया। फिर भी चढ़दी कला विच है। औरंगजेब वर्गे, वजीर खां वर्गे हर समस्या का हल झूठ विचों कर लेंदे ने, झूठियां कसमां खा के भी फौजां चढ़ा के ले आउंदे ने, पैर पैर ते झूठ बोलदे ने, पैर पैर ते दगा करदे ने, पर फिर शर्मिंदगी का सामना करना पैंदा है। कदी वेखना गुरु ने किन्ने न्यारे असूल बख्शिश कीते सानू, किन्नी विवेकता दित्ती सानू, किन्ने उच्चे सुचे असूल दित्ते सानू जीवन दे विच। पत्ता दरख्त नालों ज्यों ही टुटिया उहनूं हवा उड़ा के लै गई। जदों ये व्यक्ति गुरु नालों टुटिया इहनूं पखंड की हवा उड़ा के लै जांदी है, कई कई कूहां तक, कई कई पीढ़ियां तक इन्हां दे टब्बरां दे पैर जमीन ते लगण ही नहीं दिंदे। इंज ही हो रहा है, इंज ही हो रहा है। कोई किसे नूं मन रहा है, कोई किसे नूं मन रहा है। पागा वालियो, एक गुरु दे लड़ ला के गए दाता जी सानू, कह के गए आ गया भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है। गुरु मान्यो, सानू गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे लड़ ला के एक नारा दिता, सिख इस बाणी नूं पढ़ी विचारी ताकि तेरा जीवन उच्चा ते सुचा हो सके। जे मूल नालों टुट गया तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। पत्तर पुरजेन चढ़ियंग नह जड़ियंग, हाँ एक गल बड़ी कमाल दी कही, कह के पत्ते कोई चांस नहीं दोबारा दरख्त नाल जुड़न दा। अज तक पत्ता को दरख्त नालों टुट जाए, दोबारा पत्ते कोई मौका नहीं कि उन्हें कोई दरख्त नाल जोड़ सके, उन्हें दोबारा हरिया कर सके। पर बंदे तेरे को बड़े मौके, तेरे वास्ते दाते ने दरवाजे खुले रखे ने, आ जा हुण भी, आ जा तेनों फिर हरिया कर देवांगा।
आ जा वापस आ जा। गुरु अज भी उड़ीकद पत्थर पुरजेन झड़ियन नह जड़ियन, पेड़ संपता नहीं जड़ी जा सकती पेड़ दी संपत्ति नाल, नाम विहून बिखमता नानक बहंत जोन बासरो रैनी दिन रात। वो पत्ते जड़े ने विलकते ने जड़े मूल नालों अपना नाता तोड़ बेंदे ने। एक प्रमाण होर सादा दा देवां, ये तो गल हर एक नूं समझ आ गई। पत्ते दी हरियावल दा मेन कारण रुख नाल जुड़े रहना। साडी जिंदगी अज हरी भरी क्यों नहीं रही, क्यों नहीं रही? क्योंकि तुरे नालों टुट चुके हैं। दूसरा प्रमाण मैं गुरु नानक साहब का तुहाडे नाल सांझा करना चाहुंदा। जिहड़े तुहाडे च बुजुर्ग बैठे ने जिन्हां ने कदी उह समां वेख्या होएगा, पुराने समय दे विच घरां विच निक्कियां निक्कियां चक्कियां हुंदियां सन आटा पीण वालियां, दाल दलण वालियां। मावां ने, बुजुर्ग मावां ने दोवें पुड़ रख के एक बन्ने दाणे पाई जाने नाल चक्की नूं गेड़ी जाणा। कुछ समय बाद जदों उतला पुड़ चुक के पासे करना, सारे दाणियां दा आटा बनिया होना, पर कुछ दाने विचों साबत निकल आने। वो पुड़ तुसां भी वेखे, वो पुड़ आपां भी वेखे, ते वो पुड़ गुरु नानक साहब ने वेखे, पर असी वेख के लंघ गए। गुरु नानक साहब ने उहदे विचों दुनिया नूं उपदेश दिता। फर्क आ है धर्मी इंसान का, यह फर्क है कि संसार की निकी निकी गल दे विचों पत्ते टुटदे आपां रोज़ वेखदे हाँ, पर जदन गुरु अर्जन साहब ने पत्ता टुटदा वेख्या नाल ही एक श्लोक लिख दिता, पत्ते की तरह बंदिया तू ही जीवन दे विच सुकदा जा रहा है, तू ही अपने असूलों तो थिड़कदा जा रहा है। गुरदेव ने किन्ने कीमती वचन कहे, कहंदे कि दोए पोड़ चक्की जोड़ कै पीसण आए बैठ, पीसण वास्ते आ गए, पर नाल कहता जो दर रहे सो उपरे। नानक अजब डिठ, अजब दा अर्थ है तमाशा। कहते तमाशा वेखो, सारिया दाणिया दा आटा बन गया, पर पांच सात दाणिया नू ए दोवें पुड़ कुछ कर ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि किली नाल जुड़े से, धुरे नाल जुड़े से। दाने कौन? आपां। चकियां की ने वहम परम पखंड संसार दे विषय वकार के चल रही ने, मनुख पीसदा जा रहा है। पर जिहड़े जिहड़े सच नाल जुड़ गए, जिन्हां जिन्हां ने अपना नाता धुरे नाल जोड़ लिया, वह बच गए। दाने च किन्नी ताकत है, जमीन च बीजो अगे किन्ने दाने पैदा करन दी ताकत रखता है, पर आटा जमीन च बीज दो कोई अगे वंश नहीं चला सकता, कुछ नहीं कर सकता। आटा तो जमीन पर भी डुलिया होवे बंदे ते की पशु दे खाण दे भी काबल नहीं। कोई जी मिट्टी रल जाए, पशु मिट्टी च रले आटा भी नहीं खाता। दाने च बड़ी ताकत है। पहली पत्ते रुख नालों टुटिया, इहदी उदाहरण समझ आ गई। भावें कोई बापू कदी स्कूले भी ना गया होवे, उहनूं एक अक्खर पढ़ना भी ना आउंदा होवे, उस बापू नूं भी गुरु अर्जन साहिब दी उदाहरण समझ आ गई। जिहड़ी माँ विचारी कदी एक अक्खर भी पढ़ना नहीं सी जानदी, उहनूं भी इह पुड़ ते चक्की वाली गल समझ आ गई। मां इन्नी सरल ते सादी भाषा विच गुरु नानक साहिब तुहानूं समझाउणा चाहुंदा, फिर भी ना समझिए, फिर भी तक्के खाइए जाके कर्मकांडियां कोल, फिर ते मैं समझा साडी ही बदकिस्मती हो सकती, होर कुछ भी नहीं। असीं ही राह वेखना नहीं चाहुंदे। एक उदाहरण होर सौखी जी देवां, मैं तां इह सादियां सादियां उदाहरणां दे रहा कि गुरुदेव पिता महाराज जी ने कोई भुलेखा नहीं रहण दित्ता। पिंडां विच तुसीं अक वेखिया होएगा, अक रेतली थावां ते उगदा है। हो सकदा इत्थों दे बौरन बच्चियां नूं ना पता हो, पर जिहड़े बुजुर्ग नौजवान वीर जिहड़े कदी इंडिया नाल संबंध, पंजाब ते उस देश पंजाब नाल संबंध रखदे, कदी रेतले इलाकियां विच उहनां उगिया वेखिया होवे अक, उहदियां जिहड़ियां खखड़ियां ने उह अंब दा भुलेखा पाउंदियां ने। आपां वेखिया, वेखिया गुरु अर्जन साहिब ने भी, पर साढ़े ते गुरु अर्जन साहिब दे वेखण च एक फर्क है। असी वेख के लंघ है, पर गुरु अर्जन साहिब नहीं लंघे। उहदे विचों भी एक उपदेश दिता, कहिंदे खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अक कंठ, कंठ कहिंदे गले नूं, कहिंदे खखड़ियां बड़ियां सोहणियां लगियां, अंब दा भुलेखा पाउंदियां सन, बहुत ही खिच पाउंदियां सन। खखड़ियां सुहावियां
लगड़ियां आक कंठ पर बिरह विछोड़ा धनी स्यों। न्याणे पिंडां जदों खेडदे हुंदे सी ना उन्होंने उन्हूं तोड़ लेना उहदे विचों फिर बुरा जिहा निकलना तां न्याणिआं विचारिआं दी अपनी खेड नूं कहिणा माई दा झाटा उड़दा जांदा। न्याणिआं विचारिआं दी अपनी खेड हुंदी सी फूकां मार मार के ना तली ते रख के उहनूं फूकां मारनी हां जदों तक ओ बरूद ओ सारा उस खखड़ी दे अंदर है। खखड़ी बड़ी सोहनी लगती है पर जदों खखड़ी अक नालों टुट गई न्याणिआं ने हत्थां नाल मल दित्ती हवा आई ते तुंबा तुंबा करके उड़ा के लै गई। खखड़ी बेचारी नूं नहीं पता अक नूं नहीं पता कि मेरा नाम उस महान ग्रंथ विच लिख दिता है जिस ग्रंथ नूं दुनिया का हर व्यक्ति अदब सत्कार दे नाल सिर चुकाउंदा है। खखड़ी नूं थोड़ा पता गल ते साडी हो रही है खखड़ी कौन है आपां अक कौन है सतगुरु दा सिद्धांत। जदों तक तू गुरु के असूलों नाल जुड़े है सिद्धांत नाल जुड़े है तू बड़ा सोहना लगता है। खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अक कंठ पर जदों तू इस असूलों नाल टुट जाना जिवें वह खखड़ी नूं भन्नीए ते तुंबा तुंबा हजारां उहदे तुंबे आकाश नूं उड़ जांदे ने इदां ही तेरी हालत हुंदी है जदों असूल सच्चाई एक नालों टुटदा तेरी जिंदगी तुंबा तुंबा हो जाती है। जे आपां पदार्थां दी गल करिए ते साडे बजुर्गां दे कोल अज नालों कई गुणा घट संसार दे मायक पदार्थ सन। तवारीख दे पन्ने बोलदे ने कि जदों भरा स्कूले जांदे सन एक एक वर्दी एक एक सूट होना एक वड्डे भरा ने ओह पालना ओह छोटे इन्ने घट कपड़े होण दे बावजूद खाण पीण रहण सहण दे सब नेड़ता बड़ी सी प्यार मुहब्बत। मैं कदी कदी सोचदा सी कि ना गुरुद्वारे पक्के हो गए सिर्फ कच्चे हो गए। इकली गुरुद्वारियां ते गल नहीं अज घर बड़े पक्के हो गए। मार्बल राजस्थान का लिया के असी अपने पंजाब बनाए घर च लाना शुरू कर दिता तुसी इत्थे भी लाना शुरू कर दिता हर थां ते असी घर पक्के पर भरावां च प्यार बड़ा कच्चा हो गया। घर पक्के हो गए कदी पिंड दे विच कदी किसी एक भरा का अपनी बेटी का आनंद कार्ज करना उसनूं कदी दुध मुल नहीं सी लैणा पैंदा पिंड दे विच्चों ही दो दो किलो दस जे किसी दे घर दस मझां उहने दस मझां दा दुध दे आउणा। पागां वाले असीं कित्थों तुरे ते कित्थे आण खलोते डिस्ट्रिक्ट अमृतसर अजनाले तहसील दे विच कहिंदी काजा पिंड असीं समागम ते गए रात बीती दिन चढ़िया जदों तुर लगे ते मैनूं डेयरी जिहड़ा डेयरी वाला सी उहने मैनूं इह घटना सुणाई कहिंदा वीर जी आ जिहड़ा बंदा दुध पाउण आ रिहा ना एक सौ किलो दुध एक क्विंटल दुध मेरी डेयरी ते रोज़ पाउंदा है तुसी हैरान हो गए अज इहदी सकी भतीजी दा आनंद कारज है एक भरा दुध डेयरी पाउण आ रिहा है ते दूजे ने इत्थों मुल खाणा है मेरे कोलों। मैनूं जदों इस गल दा पता लगा मैं कहा असीं कहिंदे असीं बड़े अमीर हो गए हाँ अमीरी कितें पैसों नाल थोड़ा हुंदी है पदार्थां नाल अमीरी नहीं हुंदी वरतों विहार नाल। मैं इह वी नहीं कहिंदा कि जिहड़ा मुल वेचण आ रिहा हो सकता है वही सही होवे दूजा गलत होवे कीमतां किहदे विच कसूर है पर कितना कितें फर्क तो रह गया ना साडे चों प्यार मुक गया। मैं तो इत्थों तक कह दिंदा हुंदा एक माँ बाप चार चार पुत्रां नूं पाल के जवान कर दिंदे ने किहो जिहा भयंकर समां हुंदा है चार पुत्रां कोलों माँ बाप नहीं पाले जांदे। गुरु ग्रंथ साहिब दा रात नूं सेवा करन लग्या कई जणा तेग तेग फतेह पंथ की जीत राज करेगा खालसा। किहड़ा राज करेगा खालसा किहड़े पंथ की जीत मां रोटी नूं तरसदी होवे भलिया तूं किहड़े पंथ की जीत कर रहा है तेरा घर दा पंथ ते हार रहा है तू घर दे पंथ विचों तां फेल हो गया है तू किहड़े पंथ दी जीत दी गल करदा पिया है। कदी मां दे कोल बैठ के गल कर। मैं ऐसे ऐसे टब्बर भी वेखे ऐसे ऐसे परिवार भी वेखे जिथे बापू ते पुत प्यो इक्के घर विच रहिंदे ने पर महीना महीना लंघ जांदा बापू दे कोल कोई पुत आण के बैठ के दुख सुख ही नहीं पुछदा। बजुर्गी वेले कई वारी चाहीदा कुछ नहीं हुंदा बुढ़ेपे वेले एक पुत आण के बापू दी मंजी ते बैठ के शामां नूं प्रशादा छकदिआं शामां नूं मंजी ते बैठ के उहदे कोल एक वारी बहि के इन्हें पुजे बापू चश्मा तां नहीं बदलण वाला कोई नंबर तां नहीं बदलण वाला अखां चो बापू पानी रहिंदा लगदा मैनूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं सिरी ठीक ठाक है
इन्हें पूछ जा, समझ ला तू गुरुद्वारे मत्था टेक आया। रात नू मां तो मां नू मां सौण तो पहला एक बार दोवें जी अपने मां बाप दे कोल जाके इन्हें पूछ, ठीक जे तुसी। मैं एक उदाहरण दिती सी कि इंडिया दे विच ना, मैनू इत्थों दा पता नहीं, मैं पहला माफी मंग लवां, मैं ते भारत दी गल करदा, देश पंजाब दी गल करदा, कि जिहड़े ते बापू मां पेंशन लैंदे ने ना, उन्हां ते ऐ महीने बाद तैयार बार तैयार करके, जिन्हां को कारां उन्हां नू कार च बिठा के खड़ दे, जिन्हां को ट्रैक्टर उन्हां नू ट्रैक्टर ते बिठा के खड़ दे, बैंक दे विच कोई 10,000 कोई 12,000 पेंशन लैंदी है मां, क्योंकि पति फौज में सी, वो चढ़ाई कर गया, मां नू लग गई पेंशन, उन्हूं तो सामदा कोई उन्हें तो फिर तैयार बार तैयार करके खड़ दे, अरदासा कर दे, सच्चा पातशाह साढ़े सारे टब्बर की उम्र इन मां लाई हूँ कि मां की लंबी उम्र थोड़ा मंगते हैं। साडा एक सिंह है होंगकोंग सेवा करता प्रचार की, कॉलेज विचों सिक्ख्या लई उन्हें, तो एक दिन मैंने फोन आया, कहिंदा वीर जी साडियां भी अरदासा पूरियां होण लग पईआं। मैं क्या की होया, कहिंदा भी वेखो साडे समाज की हासो ही नहीं हालत। एक दिन एक परिवार आया भी साड़ी मम्मी जी बीमार है तो अरदास करवानी है, कहिंदा असीं गए जा के पाठ किया, चलो भी महाराज माता नूं तंदुरुस्ती बख्शो। उन्हें दसिया साडे समाज की हालत किन्नी तरसयोग है, कहिंदा दिन चढ़िया तो तड़के भज्जा होवे उहदा पोतरा, कहिंदा बाबा जी अरदास पूरी हो गई। कहिंदा मैं क्या, क्यों मां तुर लग पई है? कहिंदा नहीं मां चढ़ाई कर गई है। कहिंदा फिर पूरी किदां होगी? कहिंदा असीं अंदरों अरदासां कांडे, महाराज सच्चा पातशाह विचारी दा खेड़ा चढ़ा। कहिंदा भी तुसीं सारे टब्बर ने मैनू कमलिया बनाता, मैनू मां अरदास कर लाता, मैनू ठीक कर दे, तुसीं सारे टब्बर दूजे बने होगे, नेता तो उहो जेता ना जिहनूं वोटां वध पैंदियां ने, भी तुसीं सारे टब्बर ने मैनू कमलिया करता, महाराज दे अगे मैनू खिलार के कहा भी इहनूं कहे ठीक कर दे, ते आप तो ही सारे अंदरों कहते साड़ी अरदास महाराज ने सुन ली है। हुण सीधी थोड़ा भाई नूं कह सकदे भी कह भी माता गणों लै जे, सीधे तो कह नहीं सकते, पर दवाई रब दी शायद मेरे लफ्ज चुभण, पर सच्चाई कहना, जे माँ बाप पेंशन लेंदे ने ते कहने लंबियां अरदासां साडी भी लग जाए, बड़े माँ बाप ने जिहड़े पेंशन ली लेंदे, जे उस माँ नूं सांभे उस बापू नूं सांभे, मैं समझदा भलिया गुरुद्वारे आण के सेवा कर रहा है, वो घर कीती सेवा इक्को ही है, फर्क कोई नहीं है, सब कुछ ज्यादा होएगी। इतने आने के थालियां मांजिया जाना, लीर मारी जानिया, तुम तो बड़े बड़े ठंडिया देशों च रेंगे हो, साढ़े उत्थे होर नहीं को करते, घर कि माँ को पानी गर्म करके देना पै जाए ताप चढ़ जाता, निशान साहब को सारे इशनान कराई जाते, सारे एक आँगी बीबी वो बाल्टी पा जाती, दूजी आँगी वह पा जाती, भी कि मेरे तो अगे ना लंघ जाए, तो घर कि सस में टाइफाइड बुखार होया हो ना, डॉक्टर कहते भी अजू गर्म पानी में इशनान कर दो, उबलते पानी भावें बिठा देने, पर इशनान नहीं करवाना गर्म पानी नाल, ते गुरुद्वारे आण के ठा ठा थालियां मारनियां, कहना भी शायद इत्थे ही धर्म है, पले ओ जिदन सानू घर सवारना आ गया समझ लो असीं धर्मी बन गए, असीं बहुत दूर हाँ जी। जिहड़े दूल्हे पंथ की गल गुरु नानक साहिब जिहड़ी गल मैं खखड़ियां स्वामियां की गल कर रहा, साढ़े ते ऐन टुकदी है, जदों तक वह खखड़ी अख दे नाल जुड़ी है सोहनी लगती है, जदों तू गुरु नाल जुड़िया उन्ना तू सोहना बड़ा लगता है। बाणी च लिखिया सही सुंदर सोहने साध संग जन बहने, साहब सच्चे पातशाह ने किन्ने सानू निर्मल असूल दिते कि असी अपनी जिंदगी नू सवार सकीए, पर असी जिंदगी बिगाड़ ली, जिंदगी तबाह कर ली असी अपनी। सत्कारयोग भाई गुरदास जी ने माता पिता की सेवा के प्रथा एक गल की है, ध्यान दे के सुनना, इन्हां पौड़ियां नू इन्हां वारां नू इस साहित नू अपने घरां विच रखो, जे किते बच्चे बच्चियां ने साहित पढ़िया होवे ते याद रखना, कदी माँ बाप की सेवा करन दा अंदर चाह भी पैदा होएगा। किन्ने कीमती बचन भाई गुरदास जी वर्गे योधे ने उच्चारण किए ने, मां प्यो पर हर सुने वेद, भेद न जाने कथा कहानी। कहते मां प्यो नू छड़ के ना कोई जिन्ने मर्जी पाठ करी जावे, मां प्यो नू छड़ के जिन्ने मर्जी को पाठ करी जावे, भाई गुरदास जी कहिंदे उहदे वास्ते एक कहानी तो वध के कुछ भी नहीं, एक कहानी है, जिवें कहानी ने एक आर्टिकल पढ़ी दा बस उहदे मुताबिक ही है, सिक्ख्या तो कुछ लई नहीं। मां प्यो पर हर करे तप, वन खंड फुल्ला फिरे बेबाणी। मां बाप नूं छड़ के कोई तप करदा फिरे, कोई चलिए करदा फिरे,
को मौन वर्त रखता फिरे, कह लगे समझ लो इंज है जिवें जंगल विच पटक रहा होवे। मां प्यो पर हर करै पूज, देवी देवा ना सेव कमानी। जिथे मर्जी भटकदा फिरे उहदे वास्ते ते इक व्यर्थ वाला अपना जीवन गुजारना है। पर एक बेनती करा, अगे मां बाप नूं भी जिंदगी दे असूल पालने पैणगे। मैं क्योंकि मैं सांझी गल करदा हुंदा इक पक्षी नहीं, मां बाप भी सेवा कराउण दे लायक होण। मैं उदाहरण दिंदा हुंदा, मां बाप दे कोल भी असूल चाहीदे सेवा कराउण वाले। विदार्थ यह थोड़ा भी सहुरा कवे मैं हुण बोतल शराब दी रखी है, लिया नूं नूं कवे पोतरियां नूं कवे लियाओ मेरे वास्ते पाणी सारा टब्बर मेरे दुआले हो जाओ, फिर ते बापू विगड़े ही है ना, फिर ते विगड़े ही है ना। फिर ते मैं नहीं कहता भी सेवा करनी चाहिए, माफ करना जी मेरी खुलासियां जी गल्लां होंदियां। पहला मां बाप नूं सेवा कर ली असूल भी पालने चाहिए ने, जिहड़े चाहुंदे ने कि फलाणियां दी नूं जिवें उहनां दी नूं साडी सेवा करदी इदां साडी भी करे। ते सिख्या लैणी पवेगी, जीवन सुधारना पवेगा। जदों असीं पिंडां च कैंप लाउंदे आ ना, उन्हां कैंपां दे विच ना एक निक्की जी घटना वरती। एक गरीब परिवार का बच्चा कैंप लाउण आया, जदों कैंप ला के बच्चे बड़े ऐन रोशन दिमाग होंदे, जदों उन्हां नूं गल्लां दी समझ आउंदी आ ना, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਦਣ ਉਹਦਾ ਨਾਨਾ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਨਾ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਨਾ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣਾ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਈ ਘਰ ਸੌਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਈ ਘਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦੋਤਾ ਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹ। ਅਤੇ ਧੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤਾਈ ਵੱਲ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਮਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟ ਦੀ ਪੌ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ, ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੂਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਰਾਓ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੰਮੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਧੀ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫੋਨ 'ਚ ਐਸਾ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਧੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਪੁੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਕਤ ਮੰਗਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਫਲ ਮੇਂ, ਤਿਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਿਫਲ ਮੇਂ ਬੂ ਆਏ ਕਿਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਡਿੱਬੇ ਕਾ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਤਾ ਪਾਊਡਰ, ਗਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਤਾ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਤਾ, ਮੱਝ ਦਾ ਪਿਆ ਤਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਡਿੱਬੇ ਕਾ। ਤਲੀਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੁੱਧ ਗਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਪਿਆ ਤਾ। ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ।
सिर्फ जन्म दे देना मां बाप का काम नहीं, उन्होंने नेक इंसान दुनिया अंदर सब तो वड्डा परोपकार पता की है, नेक औलाद संसार से छड़ के जाना। जतन तो करिए ना अगे गांह दी गल्लां, अपने वालों तो जतन कर बंदे, तू अपने वालों तो मेहनत कर। ते बहुत वारी बच्चे मां बाप बुजुर्गों नालों भी सियाने, यूनान का फिलासफर है सुकरात, बहुत खोजी बिरती का मालिक, एक बच्चे ने उसकी जिंदगी मोड़िया, एक बच्चे ने समुद्र के कंढे घूम रहा है, एक बच्चा उची उची रो रहा है, सुकरात उसके कोल गया, कहिंदा बच्चे की गल है, मां बाप गवाच गए ने? कहिंदा नहीं, कोई खिडौना चाहिए, कोई मठियाई चाहिए लै देव? कहिंदा नहीं, उची उची अपनी मस्ती दे विच रो रहा है। सुकरात कहिंदा फिर भी दस की गल है? बच्चा हस के अगे कहिंदा जी मैं इस समुंदर नूं ना इस बर्तन विच पा रहा, बर्तन भर जाता समुंदर दा पानी मासा भी नहीं कटदा। सुकरात उन्हूं कहिंदा पुत्तर इदां दे तू करोड़ां बर्तन भर लै, समुंदर दे पानी नूं कोई फर्क नहीं पैना, यह बहुत ज़्यादा है। बच्चे ने पुआ के लोटा समुद्र च मारिया तो खिड़खड़ा के हस पिया। सुकरात कहिंदा तू अजीब बच्चा है बई, बड़ा अजीब है, पांच मिनट पहला हस रहा सी, हुण पांच मिनट पहला रो रहा सी, हुण तैनूं हासा कदा आया? वह अगे कहिंदा मैनू ये हासा इस गल का आया भी जे वह समुंदर का पानी लोटे च नहीं पैंदा, ये लोटा तो समुंदर च पै सकदा ना। यूनान के फिलासफर नूं समझ आ गई, कहिंदे पुत्रा तू धन है, मेरी खोज का अंत कर दिता ही, मैं रब रूपी समुंदर नूं समुची कायनात नूं अपने दिमाग रूपी बर्तन च समाउणा चाहुंदा सी, मेरी खोज का अंत हो गया, जे वह समुचा संसार इस दिमाग च नहीं पैंदा, इस कौले च नहीं पैंदा, ये बर्तन तो उहदे विच पै सकदा है ना, उहदी कायनात भी समा सकदा है ना। बहुत वारी जिंदगी च साडी जिंदगी नूं मोड़ बच्चे बच्चियां दिंदे ने। ते ओह सुकरात दी जिहड़ी घटना तो बाद जदों असीं वेखदे हां, उस बच्चे ने उहदे जीवन नूं मोड़ा लाता। शेख शादी लिखदा है भी एक दरख्त दे थले एक बुजुर्ग बैठा है, बड़ा उदास है, एक बच्चा उहदे लागे आया, कहिंदा बापू की गल है बड़ा उदास बैठा है? ते ओह अगे बुजुर्ग कहिंदा पुत्र उदास जिहड़ी मेरी उदासी उह तैनूं समझ विच नहीं आउणी, तूं न्याणा है अजे। नहीं बापू दस मैनूं, हो सकता मैं तेरी कोई हैल्प कर देव, कोई मदद कर देव। नहीं पुत्रा तेनू समझ नहीं आनी। कई बार असी आपस में गल कर रहे होंगे तो बच्चा लागू बोलता, हो सकता वह सियानी गल कह दे, आप तेनों समझ नहीं आनी, तू तू पर चल, वो अपनी जरा गेम ला के बह जाता भी इन्हों तो मेरी गल की कदरी कोई नहीं है, अं झड़की जी मार के पर बिठा दें। वह पुत्रा तेनू समझ नहीं आनी, कहता नहीं फिर भी बापू मैं मौका दे, दस तो सही गल की है? कहता गल ये भी रुपया मेरे को एक है, मेरा कुकड़ भी भुखा है, मेरा गधा भी भुखा है। कहिंदा बापू बस इन्नी गल ही है, तिन्ने कहिंदा भुखे हाँ, गल इन्नी है, एक रुपये ना कहिंदा रजांगे। कहिंदा बापू जे तिन्ने रजा दवां ते? कहिंदा वह किवें? कहिंदा लिया रुपया। कहिंदा बाजारों जा के दवाणा लिया के देता। कहिंदा बी कुकड़ नूं पा दे, गुद्दा जा कढ के आप खा ला, छिल्लां खोते नूं पा दे, तिन्ने रज जाओगे। यह सुकरा ये लिखी उस शेख शादी ने, कहिंदे वह बजुर्ग कहिंदा पुत्रा मैं सोचिया सी बंदा उम्र नाल वड्डा हुंदा है। नहीं, कई बार घर में न्याणा बजुर्गों भी मात पाउण वाली गल कर दिंदा है।